श्रावण के महीने में जल चढ़ाने के पात्र दो कर कर कितने पात्र कर लो जम के बोलो दो पात्र कर लो भले दो हाथ में लेकर मत जाओ एक के ऊपर एक कलश लेकर जाओ। हर हर महादेव। साथियों, गुरुदेव ने बताया सावन मास में एक नहीं दो जल के पात्र लेकर के जाइए। चाहे एक लोटा ले लीजिए, एक कटोरी, गिलास, जो भी आपके पास है वो ले लीजिए। अगर दोनों ही लोटे हैं घर में तो वो ले लीजिए और कांवड़ की जैसे जिस तरह से कांवड़ जल चढ़ाते हैं वैसे ही शिवलिंग पर जल अर्पण करना प्रारंभ करें। मन वांछित फल की प्राप्ति के लिए पूरे सावन मास अगर दो लोटे जल से शिवलिंग को अभिषेक कराया जाता है तो मन वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। तो ये बहुत ही छोटा सा उपाय है। उपाय क्या कहें, हम एक लोटा जल तो प्रतिदिन शिवलिंग पर अर्पण करते ही हैं। बस पूरे सावन मास में दो लोटे जल लेकर के जाना है और शिवलिंग पर अर्पण करना है, तो जरूर करें। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जानते हैं अगला उपाय गुरुदेव ने क्या बताया है और चलते हैं उन सभी खास उपायों की तरफ जो सावन मास में करने के हैं। गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सारे ही उपाय अपने शिव पुराण कथा में बताए हैं जो आपको एक एक करके बताए जा रहे हैं। अगर व्यापार नहीं चल रहा, आपकी दुकान व्यापार व्यवसाय बंद पड़ा हुआ है तो आप किसी के सम्मुख में जाकर हाथ मत फैलाना कि मुझे रुपया चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। आप तो एक कमलगट्टा पानी के जल में पात्र में डाल लीजिए और उसका जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो कमलगट्टा शिव जी को चढ़ाकर फिर आप जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आपको केवल दो हफ्ते करोगे, आपको धीरे 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 अपने आप आपके व्यापार, आपका व्यवसाय, आपकी। हर हर महादेव। साथियों, बहुत ही अचूक उपाय गुरुदेव ने बताया। घर में लक्ष्मी नहीं आती, धन संपदा नहीं टिकरी तो इस उपाय को आप जरूर करें। भगवान विष्णु ने भी सावन मास में भगवान शिव को शिवलिंग पर 108 कमल पुष्प समर्पित किए थे और कमल नयन कहलाए थे। मन वांछित फल उन्हें प्राप्त हुआ था। तो मन वांछित फल के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए एक कमलगट्टा, इस तरह से कमलगट्टा बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। सावन मास 4 जुलाई से शुरू हो रहा है और बहुत ही दुर्लभ योग बन रहा है, 2 माह का रहेगा। तो आप ढेर सारे कमलगट्टा लेकर के आ जाइए, बहुत सस्ते मिलते हैं। एक कमलगट्टा रोज जाना जल पात्र में डालिए और वह जल शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जल समर्पित करिए। साथ में कमलगट्टा भी समर्पित कर दीजिए, शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिए। इस उपाय को पूरे सावन मास जरूर करिए। माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास घर के अंदर जरूर होगा। वीडियो को भी शेयर करें। चलिए चलते हैं अगले उपाय की तरफ, गुरुदेव ने क्या बताया है। एक नियम है, शायद आपको भी मालूम होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो पुराने समय की बात याद रखना। श्रावण के महीने में शंकर जी के मंदिर में झांकी सजती थी, याद करिए। श्रावण के महीने में मंदिर मंदिर में शंकर के मंदिरों में झांकियां सजती थी। मट्टी का शिवलिंग बनता था, उसका श्रृंगार होता था। कभी कोई श्रृंगार करते थे, कभी कहीं झूला लगा देते थे, कभी कभी कोई श्रृंगार करते थे, कभी फूलों का, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का श्रृंगार करते थे। और बच्चे थे अपन, सब छोटे थे, अपने माता पिता का हाथ पकड़कर शंकर जी के मंदिर में श्रावण के महीने में दर्शन करने जाते थे। श्रावण के महीने में दर्शन करने जाते थे। उस समय हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं जागा, पर आज हमारे मन में एक प्रश्न जागता है कि हमारे माता पिता श्रावण के महीने में मंदिर मंदिर दर्शन कराने क्यों ले जाते थे। हमारे माता पिता मंदिर मंदिर दर्शन कराने के लिए शिव के मंदिर क्यों लेकर जाते थे। और ले जाना होता था तो सुबह ले जाते पानी चढ़ाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, धतूरा चढ़ाने के लिए, बेलपत्र चढ़ाने के लिए, पर शाम के समय जब अंधेरा होता, हाथ पकड़ा बच्चों का, साइकिल पर बिठाया ना बिठाया, पैदल लेकर चले मंदिर मंदिर शंकर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्रावण के संवाद को स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया कि श्रावण के महीने में जो व्यक्ति 12 शिवलिंग का अपने ही गांव, अपने ही नगर, अपने ही क्षेत्र के 12 शंकर मंदिर का दर्शन प्रतिदिन करता है, शिव उसका मनोरथ पूर्ण करने के लिए गौरा महारानी और गणेश जी को लेकर सम्मुख में खड़ा मिलता है। ये श्रावण की कथा स्वयं स्कंद पुराण वर्णन करता है। वो कुछ भी करता है उसका कोई दोष नहीं है। आप भी जितनी माताएं हैं, परमात्मा ने इनको कह रखा है, केवल रजस्वला धर्म के वो 7 दिन आपको शिव का स्पर्श नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं जिस समस्या का कोई निदान नहीं,
हर समस्या का निदान है, पर निदान किसी दूसरे के पास नहीं, निदान केवल मेरे भोले नाथ के पास में है। आपको अगर किसी समस्या का सफल आनंद चाहिए तो शंकर की शरण में जाओ। आपको सीहोर आने की भी जरूरत नहीं है, आपको हमसे मिलने की जरूरत नहीं है, आपको पंडित प्रदीप मिश्रा के पास नहीं आना, आपको किसी बाबा जोगी के पास नहीं जाना, आपको किसी के बेल भभूति लेने नहीं जाना, आपको तो शिव के पास जाना। जो शंकर की वस्तु है उसको स्वीकार करो, बस शंकर की वस्तु को स्वीकारिए, शंकर की वस्तु को स्वीकार करना चालू कर दीजिए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, यहां तक वर्णन कर रही है, जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर, धतूरा चढ़ाना चालू कर। अब धतूरा कोई बहुत कीमती होता है क्या, बहुत पैसे का मिलेगा क्या, कहीं पर मिल जाएगा, धतूरा तोड़ चढ़ा शंकर जी को। रोज नियम बना ले कि एक धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन। शंकर जी की प्रिय वस्तु में धतूरा बेलपत्र आदि कादि की तो है, क्या है, चढ़ा रोज एक धतूरा, फिर वही धतूरा जिसकी यहां तू इंटरव्यू देने जा रहा है उसी के सिर पे चढ़ गया, जो तूने शिव जी के चढ़ाया वही धतूरा वहां चढ़ा है, तू क्यों चिंता करता है। नमस्तो जम श्री शिवाय नमस्तो जम श्री शिवाय नमस्तो जम श्री शिवाय नमस्तो।